के मैट्रिक परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का इंतजार सोमवार को खत्म हो रहा है। बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे आज 3:30 बजे दोपहर में जारी होंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी 3:30 बजे रिजल्ट जारी करने वाले। इस दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव कुमार के साथ साथ बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहेंगे। और बात कोरोना की, बिहार की राजधानी पटना में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रविवार को जिले में कुल 372 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई है। जिले में रविवार को जो नए मामले सामने आए हैं उनमें पीएमसीएच के 3 डॉक्टर शामिल हैं, जिसके बाद पटना में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 55,162 हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1549 है। बिहार में कोरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा है। बीते दिन बिहार में 800 से ज्यादा और राजधानी पटना में 300 से अधिक कोरोना के मरीज सामने आए। इसके बाद राज्य सरकार ने आनन फानन में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, कोरोना के कारण सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया है। सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन लेने की सलाह तो दी ही जा रही है, लेकिन वैक्सीन लेने के लिए लगे लाइन में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसका जायजा लिया नेशन न्यूज के संवाददाता उत्कर्ष ने। अभी हम मौजूद हैं राजवंशी नगर के अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल है। बिहार सरकार द्वारा यहाँ कोरोना का वैक्सीन दिलाया जा रहा है, उसका टीका आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ भीड़ है उस पर सरकार विफल हो गई है। आपको बता दें कि जो कोरोना महामारी है उसका दूसरा स्ट्रेन काफ़ी गंदे तरीके से बिहार में पैर पसार रहा है। बात करें अदर स्टेट की तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे स्थिति हो गए हैं। बिहार में भी जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है और अकेले राजधानी पटना में 300 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका सरकार ख्याल नहीं रख पा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर पर धज्जियां उड़ रही हैं, लोग अपने कोरोना वैक्सीन लेने के लिए कतार में खड़े हैं, लेकिन सरकार जो है वो विफल है। स्वास्थ्य मंत्री एक तरफ कहते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का वैक्सीन दिलाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो इस समय विफल नज़र आ रही है। और अब देखना यह होगा कि जो कोरोना का स्ट्रेन है वो काफ़ी बढ़ता है या जो इस तरीके से वैक्सीन दिलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो बैठने की स्थिति है यहाँ पे लोगों की वो करीब करीब 20 से 30 है, लेकिन जो वैक्सीन के लिए यहाँ कतार लगी हुई है वो 100 से भी ज़्यादा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, नेशन न्यूज़, पटना।